शारदीय नवरात्रि की नौमी तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को नौवाहन प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, नौ प्रकार के पुष्प और नौ प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन नौ कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। नव दुर्गा में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।